हेलो दोस्तों, सेल्स इन वॉइस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो भैया आज की इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा अभी गाड़ियों से जुड़े कुछ मिथ्स। एक मिथ तो मैंने आपको बताया था पर्टिकुलर वीडियो बना के, लेकिन भाई जब से जो इंस्टाग्राम रील्स आई है और यूट्यूब शॉर्ट्स आई है उसके बाद भी इतने मिथ फैल रखे भाई, मतलब मिथ इंटू 100 हो गए गाड़ियों के अंदर। भाई ये छोटी छोटी वीडियो बनाते हैं भाई ऐसे ही बेफालतू के अंदर, वो बातें बताते हैं भी जो है ही नहीं, जिनका भी कोई मतलब ही नहीं है, सेंस ही नहीं है। अभी वो बातें बताते हैं सिर्फ व्यू और लाइक के चक्कर के अंदर। भाई मैं सही बता रहा हूँ, व्यू और लाइक के चक्कर के अंदर वो सारी बातें बताते हैं, लेकिन भाई वो कम्प्लीटली मिथ्स है, उन पर थोड़ा सा ध्यान ना दें। एक तो भाई मैंने आपको जार लाइट वाला बताया था, अगर वो आपको देखना तो ऊपर आई बटन के अंदर वीडियो देख लेना भाई, वो एक मिथ तो भाई वो हो गया। उसके अलावा भी दूसरा बताते हैं, कोई स्पेशल चैनल का नाम ही लूँगा, लेकिन वो एक ही चैनल है भाई जो मिथ्स बताते हैं, ठीक है। वो अपने आप को ज़्यादा प्रोफेशनल मानता है भाई, बट भाई मिथ बताता है तो भाई मिथ ही रहेगा। तो दूसरा मिथ बता देता हूँ भाई, क्या कहते अपने गियरों पे हाथ रखते हैं ना तो उससे क्या होता है, अपने नुकसान हो जाएगा मोटा। क्या नुकसान हो जाएगा एक बार आपको कैमरा रोक के कार स्टार्ट करके फिर बताता हूँ। तो भाई कहते जब अपने ड्राइविंग करते हैं ना तो ऐसे मान लो गियर लगा दिया, चलो ड्राइविंग टाइम पहला नहीं होता, तीसरा गियर या पाँचवा गियर होता, तो कहते अपने ऐसे हाथ रख लेते हैं ना तो उससे जो गियर बॉक्स है वो खराब होगा, क्लच प्लेट खराब हो जाएगी। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? भाई मैं बता रहा हूँ सच में, ये हमारी पांचवी कार है भाई, आज तक भाई एक कार के अंदर भी ये प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और वो कहता कहता गियर बॉक्स खराब हो जाएगा क्योंकि इससे पता नहीं क्या टच होता है भाई अंदर, लेकिन भाई अगर गियर की पोजिशन ये है देख लो, ठीक है, मैंने इस पर हाथ रख लिया, कोई पोजीशन में कोई चेंज नहीं है भाई। वो भाई ख़राब होते हैं हमारी बात ट्रक के होते हैं कि उन पर हाथ रखते हैं, लेकिन भाई उसका भी बड़ा इंजन होता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई। इसके अंदर क्या होता है भाई, यहाँ अगर आप इस कपड़े को हटा के देखो, अभी मैं हटा नहीं सकता क्योंकि ये अभी फिक्स है, फिर वो वापस लगता नहीं है। तो इसके नीचे क्या होता है, वायर्स होती हैं दो, एक तो भाई इसके लिए होती है, एक लेफ्ट साइड राइट साइड करने के लिए और एक अप एंड डाउन के लिए। तो भाई दो वायर्स होती हैं भाई, उन वायर का भी मेनली यही काम, एक तो गियर शिफ्टिंग को आसान बनाना और दूसरा भी जो ये जो वो बता रहा था जो भी कमी होती है इससे जो भी नुकसान होता है उसको बचाने के लिए भी, ये सिर्फ इन्हीं काम के लिए वायर्स होती है। और भाई दूसरा मिथ कहता जैसे अपने ना मिथ भाई, ये सबसे इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंट मिथ यही है, एक दो तीन चार अगर आपने एसी करते हैं एक दो तीन चार पे फ्लोर स्पीड पे तो उससे भी पेट्रोल पे क्या फर्क पड़ेगा। तो भी अगर आप ये एसी वाला बटन दबा दोगे तो भी कंप्रेसर ऑन हो जाएगा और आपकी माइलेज कम हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप दो एक से दो तीन चार करोगे भाई उसके हिसाब से भाई, उन लोगों के हिसाब से, उसके हिसाब से तो नहीं कह सकता, उन लोगों के हिसाब से भी एक दो तीन चार करने पर जो अपनी माइलेज है वो और डाउन होती जाएगी भी। कुछ भी लेकिन भाई ऐसा बिल्कुल नहीं, अगर आपने एक पर एसी चलाया हो भले चार पर हो, माइलेज पर भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने अगर ये बटन दबा रखा है तो आपका कंप्रेसर तो ऑन हो गया वहीं पर। तो भाई दूसरा मिथ ये है, और उसके अलावा तीसरा मिथ बता देता हूँ भाई, ये जो दो तीन चार मान लो अपने को केबिन कूल करना है उसके हिसाब से उसने कहा था, कहते दो पर रखो आप एसी, एक या दो पर, भाई कंपनी पागल थोड़ी ना है जो तीन या चार फ्लोर स्पीड दे रही है। अभी अगर आपको ज़्यादा गर्मी लगती हो भाई, मैं तो खुद भाई ज़्यादा गर्मी लगती हो तीन या चार पे रखता हूँ, नॉर्मली मैं तीन पे रखता हूँ भाई, और ज़्यादा गर्मी हो तो चार पर भी रख लेता हूँ भाई। तो भाई इससे आप थोड़ा सा इस मिथ को अवॉइड करें, और अगर आपको गर्मी लग रही है तो आप तीन चार पे आराम से चलाएं भाई, फ्यूल एफिशिएंसी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और भाई ये तीन और चार वाली बात कौन बताता है भाई, जिनके पास भाई वैगनार कार है वो लोग ये बताते हैं, कहते ये तीन और चार पे करोगे तो केबिन कूल नहीं होगा, तो भाई उनका इंजन और इसका इंजन भाई फ़र्क होता है। नॉर्मली लोग क्या होता है 1200 cc का इंजन यूज़ करते हैं भाई, ज़्यादातर मोस्टली लोग 1200 cc का इंजन सही है भाई, कोई दिक्कत नहीं। वैसे हमारे पास 998 cc का इंजन भी था ए स्टार, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आती थी तीन और चार वाली। और भाई जो मैं एक मिथ बता रहा था वो भाई ये है, अभी ये जो जार लाइट है वो जला के मत रखो, ऑफ हो गया फिर जो रेनी सीजन है उसके अंदर जला के नहीं रखो। अभी वही बंदा कहता है भाई, ज़्यादातर भाई मोस्टली वही सामने आता है मेरे, लेकिन भाई वो सब फेक है भाई,
दिला के रखो आराम से भी, आपकी गाड़ी कैसे मर्जी आप चलाओ। और उसके अलावा तो भी कुछ खास है नहीं। तो भाई यही थी आज की अपनी वीडियो, तो खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो भाई वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, पसंद आए तो लाइक कीजिए और भाई इन मिथ से बचिए। अगर आप ऐसी जिस मर्जी स्पीड पे रखो भाई कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, कोई भी ना ही तो माइलेज पे कोई फर्क पड़ता ना ही पिकअप पे पड़ता, अगर आपका एसी कब लोअर ऑन है। तो भाई यही थी आज की वीडियो, तो भाई वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, पसंद आए तो लाइक कीजिए। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। थैंक यू सो मच, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।